है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पर, जहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डीसी मोटर में जो आपकी ब्रेकिंग होती है वो कितने टाइप की ब्रेकिंग होती है, कौन कौन सी टाइप की ब्रेकिंग होती है, और ब्रेकिंग की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हम लोग ब्रेकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हेडिंग में आपको दिखा है कि ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये डीसी मोटर की जो ब्रेकिंग है, हम लोगों को ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है हम लोगों की ब्रेकिंग की। तो हमेशा याद रखना, ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट हम लोग क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ पर अगर हमारा कंट्रोल होगा, ठीक है, जो भी मशीन है या जो भी आपका मोटर है उस पर अगर क्या होता है, कंट्रोल होता है, तो वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अपनी आसानी से अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करा सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्रेकिंग होती है आपकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं। ब्रेकिंग में एक्चुअली में क्या किया जाता है, ब्रेकिंग में आपका जो मोटर होता है, तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, या तो मोटर को स्टॉप करना, या मोटर को ब्रेक करना। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब आपका तोड़ने वाला ब्रेक नहीं है, ब्रेक का मतलब है आपको मोटर को स्टॉप करना है। तो मोटर को स्टॉप करने के लिए हम लोग कितने टाइप के मोटर पढ़ते हैं, और कितने टाइप की, सॉरी, कितने टाइप की ब्रेकिंग पढ़ते हैं, और कितने टाइप की आपकी जो ब्रेकिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो मोटर में अगर मोटर को स्टॉप करते हैं, तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कुछ पॉइंट कि ब्रेकिंग की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो लिख लीजिए जाए, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग का मेन मतलब क्या है, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बेसिकली क्या होता है, ब्रेकिंग से हम लोग क्या करते हैं, टू स्टॉप द मोटर। ठीक है, मोटर को स्टॉप करने के लिए, और दूसरी चीज टू कंट्रोल कंट्रोल द मोटर स्पीड, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। यही दो चीज़ें मेन आपकी रिक्वायरमेंट होती है मोटर में ब्रेकिंग की। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है हम लोगों को ब्रेकिंग में। तो अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग में आपने देखा, तो ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं, तो ब्रेकिंग कितने टाइप की आप ब्रेकिंग लगा सकते हैं मोटर को रोकने के लिए। तो बेसिकली जो ब्रेकिंग होती है आपकी, ब्रेकिंग बेसिकली दो टाइप की ब्रेकिंग होती है, कौन कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो आपकी होती है मोटर को या मशीन को ब्रेकिंग लगाने के लिए, वो कितने टाइप की होती है जनरली आपका। एक तो आपने सुना होगा मैकेनिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग, और दूसरी जो आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो बेसिकली जो ब्रेकिंग होती है आपकी, वो दो टाइप की ब्रेकिंग होती है, आपने देखा होगा मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, दूसरी जो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब बात करते हैं जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से ये मैकेनिकल ब्रेकिंग जो है आपकी काम करती है। तो बेसिकली जो मैकेनिकल वर्किंग ब्रेकिंग होती है आपकी, इसमें आपका क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग डेसिपेट करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट करेंगे तो उस केस में क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग में आपकी हीट जनरेट होगी, और हीट के साथ साथ में क्या होगा, नॉइज़ भी होगी, और नॉइज़ के साथ साथ में क्या होगा, एनर्जी का लॉसेस भी होगा, एनर्जी वेस्ट भी होगी। तो इसलिए जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है बेसिकली, ये आपकी स्मूथली ब्रेकिंग नहीं होती है। तो स्मूथली ब्रेकिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका ब्रेकिंग हम लोग जब करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से आपने देखा होगा, जब आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल चलाई होगी, तो उसमें जो ब्रेकिंग होती है क्या होती है, उस रोटेटिंग जो पार्ट होता है पहिए का,
उसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन होता है उसके, फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम लोग, एक रबड़ के हेल्प से उसको पहिए को रोकते हैं। तो रबड़ के पहिए को रबड़ के हेल्प से ब्रेक लगाते हैं उसको, यानी कि जो रोटेटिंग पार्ट है उसको जब हम लगाएंगे उसको, तो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हो सकता है आपका मैकेनिकल नॉइज हो सके, ठीक है, या हो सकता है आपका जो कह सकते हैं कि एनर्जी डेसिपेटेड होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के कंपेरिजन में अगर किया जाए तो ये स्मूथ ब्रेकिंग नहीं होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा लिख लीजिए क्या है मैकेनिकल ब्रेकिंग में। तो बेसिकली मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या करते हैं, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग जो बेसिकली होती है इसमें क्या किया जाता है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है आपका उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करते हैं किसके हेल्प से, फ्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसको हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग पार्ट, ऑफ द रोटेटिंग पार्ट इज ब्रेक, रोटेटिंग पार्ट ऑफ पार्ट इज डेसिपेटेड, इधर लिखिए, इज डेसिपेटेड इन ब्रेकिंग, इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच द नॉइज, नॉइज कॉमा वियर एंड टियर, वियर एंड टियर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज मोर एंड, और क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, वेस्टेड, वेस्ट हो जाएगी इन हीटेड फॉर्म, इन हीट फॉर्म, हीटेड फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो काइनेट मैकेनिकल ब्रेकिंग अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या, फ्रैक्शन के हेल्प से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसकी स्पीड को कम करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, नॉइज हो सकता है, वियर टियर हो सकता है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा उसका, और जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी जो कि आपकी एज ए हीट फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, वो एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है वो आपकी स्मूथली ब्रोकिंग ब्रेकिंग नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं, सो दिस ब्रेकिंग, दिस ब्रेकिंग कैसी होगी है, इज नॉट स्मूथ, इज नॉट स्मूथ ब्रेकिंग। तो ये जब आपकी स्मूथ ब्रेकिंग नहीं होगी तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब हमको, हम यहाँ पे क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पढ़नी है। बेसिकली ब्रेकिंग तो दो टाइप की होती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। लेकिन मैकेनिकल ब्रेकिंग में आपकी क्या दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है उस पर डायरेक्ट आपको उसको फ्रैक्शन के हेल्प से उसको रोटे स्पीड उसकी कम की जाती है या ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा, उसकी नॉइज भी हो सकती है, उसमें आपकी हीट डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिकल ब्रेकिंग आपकी प्रिफर नहीं की जाती है। ज़्यादातर जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है इसका यूज आपने देखा होगा, जितनी व्हीकल्स होती हैं, जितनी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या होती है, सारी मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अब अपनी जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ब्रेकिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग आपकी जो ब्रेकिंग होती है वो स्मूथली ब्रेकिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर सपोज करिए, अगर आपको ब्रेक लगाना है तो आप, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर मोटर को रोकना है तो एक तरीके से ये कर सकते हैं कि सप्लाई को आप डिस्कनेक्ट कर दें, यानी कि जो सप्लाई है
उसकी डिस्कनेक्ट कर दें तो एक समय आएगा कि मोटर आपका स्टॉप हो जाएगा, है ना। यानी कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगा। बट आपको क्या करना है कि ब्रेकिंग लगानी है, और जबकि ब्रेकिंग कैसी लगानी है, आपकी क्विक फॉर्म में होनी चाहिए, तुरंत ब्रेक लग जाए, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें क्या है, टाइम लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा कि हाँ सप्लाई डिस्कनेक्ट की तब आपकी, लेकिन हमको क्या करना है, क्विक ब्रेक लगाना है। तो क्विक ब्रेक लगाने के लिए यानी कि तुरंत आपको ब्रेक लगाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी स्मूथ टाइप की ब्रेकिंग होती है, स्मूथ टाइप की ब्रेकिंग, ठीक है। तो आप इतना अगर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पे, ठीक है। चलिए इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए। तो आप हेडिंग डालिए, आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको अगर मोटर की स्पीड को रोकना है, मोटर को स्टॉप करना है, तो हम एक तो ये तरीका है कि उसकी सप्लाई को हम डिसकनेक्ट कर दें, तो मोटर अपने आप जो है, सप्लाई जब उसको नहीं मिलेगी तो उस केस में मोटर अपने आप स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम लोगों के लिए प्रेफरेबल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि रिक्वायरमेंट आपको स्पीड को तुरंत रोकने की है, लेकिन तुरंत नहीं होती है जब आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो कुछ समय बाद अपने आप रुकेगा मोटर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इस इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को अरेंजमेंट करते हैं, इस टाइप से मेथड्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे आपकी ब्रेकिंग जो है तुरंत आपकी सडन ब्रेकिंग हो जाए, क्विक तरीके से हो जाए और स्मूथली भी हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन मेथड पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में। तीन मेथड वो क्या क्या होते हैं, वो आपके होते हैं एक डायनामिक ब्रेकिंग, और दूसरा जो होता है प्लगिंग होता है, थर्ड जो मेथड आपका आता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो तीन टाइप की आपकी ब्रेकिंग होती है इसमें, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में। इन तीनों टाइप की ब्रेकिंग को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं वो लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखिए, पहली बात तो अगर ब्रेकिंग करनी है तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, आइसोलेटिंग द या डिस्कनेक्ट द सप्लाई, डिस्कनेक्ट द सप्लाई, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट द सप्लाई इज बेसिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक इज बेसिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, बट मोटर क्या करेगा, मोटर डज नॉट, बट मोटर डज नॉट स्टॉप, डज नॉट स्टॉप क्विक क्विकली, ठीक है, तुरंत आपका स्टॉप नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इन ऑर्डर टू क्विक क्विकली स्टॉप द मोटर, मोटर एडिशनल मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड। क्या क्या होते हैं मेथड, आप देखो हमने क्या बताया कि आपकी जो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होती है, अगर हम लोग ब्रेकिंग की बात करें तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो मोटर अपने आप रुक जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि क्विकली आपका मोटर स्टॉप हो जाए, जहां पे आपको रुकना चाहे तुरंत रुक जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेथड्स होते हैं, तो भाई हमने लिखा, इन ऑर्डर टू क्विकली स्टॉप द मोटर एडिशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड, कौन कौन से यूज हैं कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के आपके मेथड होते हैं, आप लिखिए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, ब्रेकिंग टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं,
पहला टाइप होता है आप लिखेंगे डायनामिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, और इसी डायनामिक ब्रेकिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। क्या नाम है? रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। और सेकंड जो आपका मेथड है वो कौन सा है? सेकंड मेथड है आपका प्लगिंग, PL, प्लगिंग। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? प्लगिंग है। और थर्ड जो मेथड आप पढ़ते हो ब्रेकिंग में, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में, वो कौन सा है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों मेथड को बारी बारी से पढ़ेंगे, किस तरीके से इन तीनों मेथड को हम लोग, कैसे इनकी ब्रेकिंग की जाती है मोटर में। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना आप नोट करिए। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम समझा तो आपको हिंदी में ही रहे हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से बना के लिख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, तीन टाइप की ब्रेकिंग होती है, पहली होती है डायनामिक ब्रेकिंग, दूसरी होती है प्लगिंग, और थर्ड होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग पहली ब्रेकिंग को पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए आप डायनामिक, डायनामिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग। आप देखिए डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता है, तो बेसिकली आप सबसे पहले तो ये समझिए, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है, इस इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपका किस तरीके से हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, कोई भी मोटर हो उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि हमको मोटर को स्टॉप करना है। तो मोटर को स्टॉप हम लोग कब कर सकते हैं, जैसे ही मोटर की बात करें तो मोटर में आप क्या करते हैं, जो फोर्स होता है, जो आपका टॉर्क होता है, उस टॉर्क को आप क्या कर दें, अपोजिट कर दें। जिस तरीके से मोटर आपका रन कर रहा है, उस मोटर के अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप टॉर्क लगा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मोटर आपके स्टॉप हो जाएगा, मोटर रुक जाएगा। जैसे सपोज करिए आपका मोटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, अगर आपने क्या किया, अगर इसके टॉर्क इस तरीके से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, अगर इसी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया जाए, एक दूसरा फोर्स लगा दिया जाए, टॉर्क लगा दिया जाए, तो आपका मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर इसके इक्वल हो जाएगी, ये टॉर्क और ये टॉर्क इक्वल हो जाए, तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्क को क्या किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल आपका यही होता है कि ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉर्क होता है, जो रनिंग टॉर्क होता है मोटर का, उस टॉर्क को हम लोग अपोजिट करते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और उस डायरेक्शन को बदलने का तरीका क्या होता है, तो उन डायरेक्शन को बदलने का तरीका ही हम लोगों को अलग अलग मेथड में देखने को मिलेगा। जैसा कि डायनामिक ब्रेकिंग में हम लोग किस तरीके से टॉर्क को अपोजिट करेंगे, और रीजनरेटिव में हम किस तरीके से क्या करेंगे टॉर्क को अपोजिट, और ऐसे ही हम लोग प्लगिंग में किस तरीके से टॉर्क को अपोजिट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को रनिंग टॉर्क के अपोजिट आपका टॉर्क कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल किसी भी ब्रेकिंग का। ठीक है, अब ब्रेकिंग में आपका डायनामिक ब्रेकिंग की बात करें, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, चाहे ब्रेकिंग का क्या करेंगे, एक बेसिक प्रिंसिपल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का आप बेसिक प्रिंसिपल लिखिए, बेसिक प्रिंसिपल लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनामिक ब्रेकिंग को पढ़ते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि हम लोग टॉर्क के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें। अब टॉर्क के डायरेक्शन को अपोजिट कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हम आर्मेचर करंट जो फ्लो होती है, उस आर्मेचर करंट को अगर हम लोग बदल देते हैं, तो उसके टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई आईए, किसी भी मोटर के लिए आपने देखा होगा डीसी मोटर में। ठीक है, यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर दें, यानी कि माइनस कर देते हैं, अपोजिट साइड कर देते हैं, तो टॉर्क जो आपका डेवलप होगा, वो टॉर्क भी क्या हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। निगेटिव टॉर्क हो जाएगा जो भी आपका टॉर्क होगा। तो जैसे ही टॉर्क निगेटिव होगा तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ब्रेकिंग हो जाएगी, ब्रेकिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मेन हमारा काम क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन को अपोजिट करना, टॉर्क की डायरेक्शन को बदलना, रनिंग टॉर्क जो होता है उसकी डायरेक्शन को बदल देना। ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, लिखिए द बेसिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज टू डेवलप, इज टू डेवलप अपोजिट अपोजिट और निगेटिव टॉर्क। ठीक है, निगेटिव टॉर्क को बनाना हम एक तरीके से कह सकते हैं, इन रनिंग मोटर, जो रनिंग आपका मोटर कर रहा है, रन कर रहा है, उसके अपोजिट। रनिंग मोटर किसकी हेल्प से, विद द आर्मेचर करंट, करंट रिवर्स। अगर हम लोग आर्मेचर करंट को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा टॉर्क भी रिवर्स हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं टी प्रोपोर्शनल फाई है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो हमारा टॉर्क जो है वो भी हमारा टॉर्क चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ब्रेकिंग पोजीशन है या ब्रेकिंग कंडीशन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग का ये बेसिक फंडामेंटल रूल होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा दो तो ब्रेक हो जाएगा आपका, यानी कि मोटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो मेथड हमने बताया आपको डायनामिक ब्रेकिंग का, तो डायनामिक ब्रेकिंग में हम किस तरीके से आर्मेचर करंट को या उसके टॉर्क की पोजीशन को, जो रनिंग मोटर है उसकी टॉर्क की पोजीशन को किस तरीके से चेंज करते हैं या बदलते हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए पहली हेडिंग डालेंगे डायनामिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग। तो डायनामिक ब्रेकिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, तो डायनामिक ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका रनिंग मोटर होता है, जो आपका मोटर रन कर रहा होता है, उसको हमको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए यानी कि रोकना है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से हम उसको रोकते हैं, तो बेसिकली डायनामिक ब्रेकिंग में ये किया जाता है, जैसे आपका मोटर आपका रोटेट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो रनिंग के केस में क्या होता है, जैसे ही आपको ब्रेक लगाना है तो उस केस में तुरंत हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सप्लाई है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देते हैं, यानी कि सप्लाई से हटा देते हैं उसके टर्मिनल को। ठीक है, जो आर्मेचर है आपका, जो आर्मेचर होता है मोटर को, उसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं, किससे, उसके सप्लाई से। और जैसे ही हम लोग सप्लाई से डिसकनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर में क्या होता है, डिसकनेक्ट करने पे आर्मेचर के बैक ईएमएफ, जो हम जानते हैं ईबी, जो बैक ईएमएफ होता है, इस बैक ईएमएफ की वजह से क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होती है, सर्कुलेटिंग करंट। तो ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मोटर को रोटेट कराती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, या अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आपकी आर्मेचर करंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। और अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही फ्लो होगी तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, क्या करने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा टी। तो जैसे ही हमारा टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा, उसी केस में हमारी क्या हो जाएगी, मोटर क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा, मोटर हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली डायनेमिक ब्रेकिंग में। समझ गए, एक बार फिर समझ लीजिए, डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं हम लोग,
जैसे ही जहां पे हमको मोटर आपका रन कर रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो इस मोटर को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लाई जो है आपकी सप्लाई डिसकनेक्ट कर देनी होती है। डिसकनेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सप्लाई डिसकनेक्ट कर देते हैं ऑफ आर्मेचर, ऑफ मोटर, आर्मेचर, मोटर के आर्मेचर की सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं। वहां से हमारा क्या है, एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है, और बैक ईएमएफ क्या होता है, ये सर्कुलेटिंग करंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराती है आर्मेचर करंट। इस आर्मेचर करंट की वजह से हमारा टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टॉर्क लगता है तो मोटर हमारा तुरंत स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारी ब्रेकिंग होती है, डायनेमिक ब्रेकिंग, इसी को हम लोग क्या देते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, इसको बना लीजिए। पहली बात, हम लोग अभी आपको डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, और थोड़ा लिखा देते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे क्या, इन दिस ब्रेकिंग, इन दिस ब्रेकिंग द आर्मेचर ऑफ रनिंग मोटर, द आर्मेचर ऑफ रनिंग मोटर जो आपका नॉर्मली रन कर रहा है, रनिंग मोटर इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, कहाँ से हम कर देते हैं, सप्लाई से उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, फ्रॉम द, डिसकनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देंगे, तो उस केस में सप्लाई से हम आर्मेचर को डिसकनेक्ट कर देंगे, बट जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपकी एज इट इज कनेक्ट रहेगी। तो इसमें लिख लेंगे डिसकनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई एंड लीविंग, लीविंग द फील्ड वाइंडिंग टू द सप्लाई, टू द सप्लाई। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग डायग्राम में बना लेते हैं। कैसे, अगर लिखना चाहो एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद बनाते हैं इसका डायग्राम। सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देंगे आर्मेचर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एट इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के समय क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग द बैक ईएमएफ यानी कि ईबी विल क्या करेगी, विल सर्कुलेट, सर्कुलेट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, या रिवर्स हो जाएगी, टू रिवर्स द, क्या करेगी ये, रिवर्स द रनिंग टॉर्क, तो जो भी आपका रनिंग टॉर्क होगा उसको क्या कर देगी, ये रिवर्स कर देगी, रनिंग टॉर्क मोटर विल, मोटर विल स्टॉप, रुक जाएगा क्विकली, तुरंत, ठीक है, क्विकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये डायनेमिक ब्रेकिंग होती है। अब इसका डायग्राम बना लीजिए, देखिए क्या करते हैं। जैसे हमने मान लिया ये मशीन है आपकी, मोटर है, ये वाइंडिंग आपकी फील्ड वाइंडिंग है, कोई शंट मोटर ले लिया, और इसमें क्या है, ये आपकी सप्लाई है कोई, मान लिया अभी टर्मिनल वोल्टेज प्लस बी, और यहाँ पे हमने बना दिया कोई एक आर्मेचर। ठीक है, तो इसको हमने दिखा दिया कि आपकी ये जो वाइंडिंग है इसको हमने क्या कर दिया, एक रियोस्टेट से साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, आर एक्सटर्नल, आर एक्सटर्नल है, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस,
इस तरीके से हमने क्या किया, डिसकनेक्ट कर दिया उसके सप्लाई को। देखिए ये सप्लाई, देखिए ये क्या है, आर्मेचर को सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया। और यहाँ से जो आपकी बैक ईएमएफ है, ये पहले तो आपकी इस तरीके से करंट जा रही थी ऐसे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, डिसकनेक्ट किया, तो ये जो बैक ईएमएफ, इसकी वजह से क्या होगी, करंट ये डेवलप करेगा इस तरीके से, ये ऊपर साइड इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप करेगा। यानी कि जो टॉर्क स्पीड आपकी जो रोटेट कर रहा था रनिंग मोटर, वो अब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तुरंत उसको क्या कर देते हैं हम लोग, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी अगर बात करें तो यहाँ से आप लिख लीजिए ब्रेकिंग करंट क्या होगी, अगर कर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। आर ए क्या है आपका, आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इस सर्किट में अगर क्या हम लोग इस तरीके से केबियल लगाते हैं, वहाँ से हम लोग क्या करंट आई बी निकालते हैं, तो आई बी हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये डायग्राम होता है आपका किसके केस में, डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में। ये आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से बना देते हैं। तो देखिए ये हमने शो किया गया है आपको एक आर्मेचर को, और इसको हमने सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये कोई रियोस्टेट लगा दिया है आर्मेचर, जो भी आपका ब्रेकिंग करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, आर एक्सटर्नल। और ये आपका क्या है, ई बी है, बैक ईएमएफ है, प्लस माइनस। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पहले ये जा रहा था, अब ये इधर हो जाएगा, इधर करंट जाएगी जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये आई एल है और ये आर एस एच है। तो इस तरीके इसको बना लीजिए। तो ये तो होती है आपकी डायनामिक ब्रेकिंग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी ब्रेकिंग होती है वो प्लगिंग होती है। प्लगिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता तो आप यही समझे, तुरंत बताएंगे कि उसके आर्मेचर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या बैक ईएमएफ का एक आर्मेचर करंट को अपोजिट कर देता है, अपोजिट करने से हमारा टॉर्क अपोजिट हो जाता है, और टॉर्क अपोजिट होने से ही हमारी मोटर को स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम प्लगिंग की। प्लगिंग आपकी है, अब देखिए प्लगिंग को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं या स्टॉप करते हैं। तो प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका मोटर होता है, उस मोटर के जो आर्मेचर होता है, जो रनिंग मोटर है आपका, नॉर्मल जो मोटर रन कर रहा है, उसके जो आर्मेचर टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, उस आर्मेचर टर्मिनल को हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आर्मेचर के टर्मिनल को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, या आर्मेचर के पोलरिटी को चेंज कर देते हैं। तो उस केस में हमारा जो आर्मेचर करंट जो होता है आपको मोटर में जा रहा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। और डायरेक्शन जैसे ही आर्मेचर करंट की अपोजिट हुई, तो वहां से हमारा टॉर्क है, टॉर्क जो आपका रनिंग टॉर्क था, उस रनिंग टॉर्क के अपोजिट में एक आपका ब्रेकिंग टॉर्क लग जाता है, और ये ब्रेकिंग टॉर्क क्या करता है, उसको मोटर को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए क्या कर देते हैं, प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं, या उसकी आर्मेचर की पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं। तो इसका डायग्राम बनाइए पहले। जैसे ये हमने बताया, ये क्या है आपका, कोई मोटर है, शंट मोटर, ठीक है, और ये है कोई एक आर्मेचर मोटर का, ये है आर्मेचर, और इसी है इसके टर्मिनल। अभी आपने देखा कि ये आपका क्या है, ई बी है, इस तरीके से पोलरिटी है, लेकिन क्या किया हमने, ये हमने सप्लाई मान लिया, ये आपकी क्या है, सप्लाई है, सप्लाई है वी वी टी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कोई हमने सप्लाई मान ली। अब इसमें क्या करते हैं, हमारा कनेक्ट तो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आपका मोटर कैसे कनेक्ट था, इस तरीके से मोटर कनेक्ट होगा, है ना, ये नॉर्मल तरीके से रनिंग मोटर कनेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही आपको ब्रेकिंग करनी है, तो प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये टर्मिनल जो होता है, ये वाला टर्मिनल क्या कर देते हैं, डिसकनेक्ट करके, और ये टर्मिनल किससे कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और ये वाला जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसके इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब उस केस में आपका जो करंट, जो पोलरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, ये प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ये देखो पोलरिटी इस तरीके से थी, तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट इस तरीके से जा रही थी, अब उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, इसकी आर्मेचर के टर्मिनल, ये आर्मेचर के टर्मिनल ही है,
तो ये आर्मेचर के टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, या हम कह सकते हैं इस आर्मेचर टर्मिनल को हमने चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो उस केस में जो आपका टॉर्क जो डेवलप होगा, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और टॉर्क जो होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग कंडीशन है यहाँ से। और ये क्या है आपका आर एस एच है, कोई इसमें कोई करंट जा रही है आई एस एच, यहाँ से कोई करंट जा रही है आई एल। ठीक है, इसमें करंट, तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है प्लगिंग का। प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो प्लगिंग में हम लोग यही करते हैं, जो आर्मेचर टर्मिनल होते हैं उसके रिवर्स कर देते हैं, उसकी टर्मिनल को रिवर्स करेंगे तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, पोलरिटी चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और करंट की डायरेक्शन जैसे चेंज होगी तो वहां से हमारा जो रनिंग टॉर्क है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और जैसे ही रनिंग टॉर्क क्या होगा, जीरो पोजिशन पहुंचेगा, यानी कि जैसे ही उसकी स्पीड जीरो पे पहुंचेगी, तो उसी केस में जस्ट हम लोग क्या कर देते हैं, एक मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा देते हैं, मैकेनिकल ब्रेक लगा देते हैं, वहां से आपको मोटर स्टॉप हो जाता है। अगर सपोज करिए रनिंग क्या कर देते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्रेकिंग टॉर्क नहीं लगाते हैं, जैसे ही स्पीड आपकी जीरो होती है, यानी कि सप्लाई क्या करे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, आर्मेचर रोटेट करता रहेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर रोटेट करने लगा। जैसे ही आपकी स्पीड क्या होगी, जैसे सपोज करिए स्पीड आपकी रोटेट कर रही है इस तरीके से ओमेगा एम, और जैसे ही इसकी पोलरिटी को चेंज किया तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी, और एक समय आएगा क्या करेगा, ये जीरो पोजीशन पे आ जाएगी, उसकी स्पीड कम होते होते जैसे जीरो पे आएगी तो तुरंत हम आप क्या करेंगे, उसके मैकेनिकल ब्रेक लगा देंगे और मोटर वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अगर सपोज करिए मैकेनिकल ब्रेक इस टाइम, जैसे ही स्पीड आपकी जीरो हुई और स्पीड जीरो होने पे आपने अगर मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं लगाई इस केस में, प्लगिंग के केस में, तो सप्लाई तो आपको उसको मिल ही रही है, तो सप्लाई मिली तो उस केस में क्या होगा, मोटर आपका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रन करने लगेगा, लगातार आपका अपोजिट डायरेक्शन में रन करने लगेगा, तो उस केस में आपका मोटर स्टॉप नहीं होगा बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। लेकिन हमको स्टॉप करना है, जैसे ही आपकी स्पीड जीरो आती है तो स्पीड जीरो आने पे तुरंत आप मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा दो और वो आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा क्विकली। ठीक है, तुरंत आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली यही किया जाता है प्लगिंग में, समझ में आ गया। प्लगिंग में क्या करते हैं, आर्मेचर टर्मिनल की पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, या आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, अब उसकी पोलरिटी को चेंज करते हैं, तो हमारा क्या होगा, मोटर की स्पीड दूसरी तरह अपोजिट डायरेक्शन में रन करने लगेगा, जैसे ही रन करने के स्पीड जीरो हो गई तुरंत आप क्या करोगे, उसकी मैकेनिकल ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम ये है। अब इसमें आप लिख लीजिए, अगर इसमें इस तरीके से हमने बनाया है पोलरिटी, इसमें अगर केवीएल लगा के हम लोग क्या करते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन करंट निकालते हैं, टोटल करंट कितनी होगी, तो यहाँ से देखिए करंट लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक रियोस्टेट आप लगा दीजिए, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो लिमिट करता है करंट को। ठीक है, आर एक्सटर्नल, तो यहाँ से अगर ब्रेकिंग करंट की बात की जाए तो आपकी जो ब्रेकिंग करंट वो क्या होगी, यही होगी बी प्लस ई, ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। आप इसमें जब आप केवीएल लगाओगे तो यहाँ से, तो ये आपकी ब्रेकिंग करंट ये आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसमें लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सॉरी प्लगिंग इन दिस मेथड द आर्मेचर टर्मिनल, क्या करते हैं, आर्मेचर टर्मिनल टर्मिनल और आर्मेचर पोलरिटी, या तो आर्मेचर की पोलरिटी कह सकते हैं, आर्मेचर पोलरिटी इज रिवर्स्ड, क्या कर देते हैं, इज रिवर्स्ड। ठीक है, आर्मेचर पोलरिटी रिवर्स विल डायरेक्टली रिवर्स द आर्मेचर करंट, तो क्या करेगा, विल डायरेक्टली रिवर्स रिवर्स द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट की क्या होगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स द आर्मेचर करंट एंड रिवर्स द
रिवर्स द टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क या रनिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या? एज इट कम्स स्पीड जीरो, जैसे ही स्पीड जीरो होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकिंग विल बी अप्लाइड, मैकेनिकल ब्रेकिंग विल बी अप्लाइड, मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा देते हैं, मैकेनिकल ब्रेकिंग विल बी अप्लाइड। अदरवाइज अगर नहीं अप्लाई करते हो तो क्या होगा, अदरवाइज अदरवाइज मोटर विल क्या करेगा, मोटर विल रन कंटिन्यूअसली, लगातार कंटिन्यूअसली इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं प्लगिंग को। इतनी बात आप याद रखेंगे तो प्लगिंग, आप बेसिकली आपसे पूछेगा कोई तो प्लगिंग में आप इतनी बात रखना है क्या कि आपको आर्मेचर के पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, और या तो आर्मेचर के टर्मिनल को डिस्कनेक्ट, पोलरिटी को चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, मोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होके जीरो पे आ जाती है। जैसे जीरो पे आती है मोटर की टॉर्क स्पीड, तो जैसे ही मोटर की स्पीड जीरो पर आएगी तुरंत मैकेनिकल ब्रेक लगा देंगे, मैकेनिकली ब्रेकिंग लगाएंगे, तुरंत आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। अगर मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं लगाते हैं तो हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मोटर है वो रोटेट करने लगेगा, तब आपकी ब्रेकिंग संभव नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है प्लगिंग, इतना नोट करिए। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अगले वाले क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी